दोस्तों इंटरनेट क्या है, व्हाट इज इंटरनेट और इसका विकास कैसे हुआ, व्हाट इज इंटरनेट एंड हाउ इट्स डेवलप एंड इट्स डेवलपमेंट। तो दोस्तों इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर एंड नेट। इंटर का मतलब आपस में होता है और नेट का मतलब जाल से है। इसका तात्पर्य है एक ऐसा जाल जो आपस में जुड़ा हो। इंटरनेट एक महाजाल है, यह दुनिया का सबसे बड़ा और बेस्ट नेटवर्क है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो दुनिया के कंप्यूटरों का आपस में जुड़ना ही इंटरनेट कहलाता है। जब इससे नेटवर्क स्थापित हो जाता है तो हम एक विशाल जाल का हिस्सा हो जाते हैं, जिसे हम ग्लोबल नेटवर्क कहते हैं। और इस नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर में उपलब्ध कोई भी सूचना अपने कंप्यूटर में प्राप्त कर सकते हैं। सन 1969 में टीम बर्नर्स क्ली ने इंटरनेट का निर्माण किया तथा 1989 में इंटरनेट पर संचार को सरल बनाने के लिए ब्राउजरों, पन्नों और लिंक का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब बनाया गया। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर की एक अलग पहचान होती है। इस विशेष पहचान को आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता है। आईपी एड्रेस संख्याओं का एक यूनिक सेट होता है जो उस कंप्यूटर की लोकेशन को बताता है। आप उस आईपी एड्रेस के द्वारा किसी भी लोकेशन को चेक कर सकते हो। दो या दो से अधिक आपस में जुड़े नेटवर्क कनेक्शन को इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। जब 1969 में इंसान ने चांद पर कदम रखा था तो नेटवर्क के कार्य के लिए एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी को यूएस द्वारा नियुक्त किया गया था। उस वक्त केवल 4 कंप्यूटर का नेटवर्क था। बाद में धीरे धीरे इसे कई एजेंसी के साथ जोड़ा गया और यह नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ता गया और आम लोग के लिए खुल गया। इंटरनेट में किसी भी एजेंसी का कंट्रोल नहीं है। भारत में सबसे पहले 15 अगस्त सन 1995 को सरकारी कंपनी BSNL ने इंटरनेट की शुरुआत की थी। बाद में धीरे धीरे प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल, रिलायंस, आइडिया आदि ने इंटरनेट को स्टार्ट किया। 1960 के दशक में इंटरनेट नेटवर्क की उत्पत्ति अमेरिका द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से मजबूत संचार के निर्माण के उद्देश्य के लिए शुरुआत की गई थी। 1990 के शुरुआती दिनों में वाणिज्यिक नेटवर्क और उद्यमों को जोड़ने से आधुनिक इंटरनेट की शुरुआत हुई और तेजी से वृद्धि के कारण संस्थागत, व्यक्तिगत और मोबाइल कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े थे। 2000 के दशक के अंत तक इसका उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जाने लगा और रोजमर्रों की जिंदगी के लगभग हर पहलू में शामिल किया जाने लगा। 30 मार्च 2013 तक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की अनुमति कुल संख्या 2.095 अरब, यानी कि विश्व जनसंख्या का 30.2% थी। यदि आज हम केवल भारत की बात करें तो लगभग 45.1 करोड़ लोग आज इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से लगभग 67% संख्या पुरुषों की है। इंडिया इंटरनेट 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारत अब चीन के बाद विश्व में दूसरे नंबर पर है, लेकिन अभी तक भारत के केवल 36% क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा पहुंच पाई है। इसलिए यह क्षेत्र और भी वृद्धि कर सकता है और करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं आखिर इंटरनेट क्या, कैसे काम करता है। अब तक तो हमने जाना कि इंटरनेट क्या है, उसका यूज क्या है, वह कितने परसेंट तक अभी यूज हो पाया है, किस देश ने किया, लेकिन कब इन्वेंशन हुआ। लेकिन अब हम जानते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है, हाउ इंटरनेट वर्क, इंटरनेट का काम कैसे करता है। आप सोच रहे होंगे कि हमारे ऊपर बादलों में कोई ऐसा सिस्टम लगा होगा जिसके अंदर इंटरनेट के सारे डेटा स्टोर रहते होंगे और इंटरनेट चलता है, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है और पहले यह हमारे द्वारा छोड़े गए उपग्रह से चलता था, जिसके कारण डाटा बहुत स्लो डाउनलोड होता था। लेकिन हमारे इंजीनियर ने एक ऐसी तकनीक निकाली, वह है ऑप्टिकल फाइबर, जिसे हम आज उपयोग में ला रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने से इंटरनेट की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। लगभग 800,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल अभी तक समुद्र में बिछाए जा चुके हैं। इस केबल से इंटरनेट का 90% उपयोग होता है।
समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाते हैं जिसमें कम नुकसान और कम लागत आती है, लेकिन समुद्र में केवल बिछाने के कारण बड़े बड़े जहाज चलने के कारण कभी कभी जहाज के लंगर से भी ऑप्टिकल फाइबर को नुकसान पहुंचता है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ 13 जनवरी सन 2004 को इजिप्ट में हुआ था, जिसके कारण इजिप्ट का 70% इंटरनेट बंद हो गया था। इस समस्या का समाधान भी किया गया। इसमें आज कई ऐसी टीम काम कर रही है जो 24 घंटे ऑप्टिकल फाइबर की निगरानी करती है। जब इसमें कोई नुकसान होता है तो उसको तुरंत ही ठीक कर दिया जाता है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसको 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला सर्वर, दूसरा सर्विस प्रोवाइडर जैसे BSNL, एयरटेल, आइडिया, जियो आदि, तीसरा हमारा ब्राउजर। असल में सभी जानकारी सर्वर पर उपस्थित रहती है। जैसे ही हम अपने PC, लैपटॉप, मोबाइल, ब्राउजर के माध्यम से कोई वीडियो या टेक्स्ट खोजते हैं तो ब्राउजर खोजे हुए टेक्स्ट को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास भेजता है। वहां से सर्विस प्रोवाइडर सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर स्वयं खोजता है और परिणाम को दोबारा सर्विस प्रोवाइडर को भेज देता है और सर्विस प्रोवाइडर हमें ब्राउजर पर उसका रिजल्ट दिखाता है। यह प्रक्रिया इतनी जल्दी होती है कि हमें पता भी नहीं चलता है और यह काम हो जाता है। इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट कनेक्शन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही हम इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं, क्योंकि यह हमें इंटरनेट से जुड़ने का रास्ता प्रदान करती है। जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट को सही राह पर चलने की दिशा दिखाता है, और जब हमें इंटरनेट कनेक्शन मिल जाता है तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। इस कनेक्शन को अपने कंप्यूटर में केबल या वायरलेस के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। इंटरनेट कंप्यूटर जोड़ा जाता है तो इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कहा जाता है। इंटरनेट किसी एक कंपनी या सरकार के अधीन नहीं होता है, अपितु इसमें बहुत सारे सर्वर जुड़े हैं जो अलग अलग संस्थानों या प्राइवेट कंपनियों के होते हैं। कुछ प्रचलित इंटरनेट सेवाएं हैं जैसे गोफर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब, प्रयोग इंटरनेट में जानकारी प्राप्त करने के लिए होता है। चलिए अब जानते हैं यूजेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का यूज क्या है? अरे भाई ये क्या बात है, आज इंटरनेट को कौन नहीं जानता है, कौन इसके यूज को नहीं बता सकता है। शुरुआत में इंटरनेट का उपयोग वैज्ञानिकों द्वारा शोध कार्य में ही किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसका उपयोग विस्तृत होकर सार्वजनिक हो गया। आज हम इसका उपयोग रोजमर्रा के कामों में भी किया जाने लगा है। आज लगभग सभी कार्य घर पर इंटरनेट के माध्यम से किए जा सकते हैं, जैसे ईमेल कम्युनिकेशन, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि, और भी कई सारे काम किए जा सकते हैं। हम किसी को ट्वीट कर सकते हैं, किसी को मैसेज कर सकते हैं, किसी को चैट कर सकते हैं, किसी के साथ वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, और इस पे इंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, इसके ज़रिए हम अपने ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी कुछ इंटरनेट से जुड़ी हुई जानकारी जिसे हमें बताना मैंने आवश्यक समझा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ने समझ गए होंगे कि इंटरनेट कैसे चलता है और इसे कौन चलाता है। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। तब तक के लिए जय हिंद।